टोनी चिड़िया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची टोनी से घर का सारा काम करवाती और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती। सुन रही मनहूस, घर का सारा काम करके जंगल में लकड़ी काटने चली जा और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा के ला। आज तेरे चाचा जी को बहुत बुखार है, उन्हें दवाई लेने दूर जाना है। ठीक है चाची, मैं काम खत्म करके जंगल चली जाऊंगी। आप चाचा जी से कहना कि आराम से दवाई लाएं, लकड़ी काटने की चिंता ना करें। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा, अब जल्दी जा और काम खत्म करके कुछ पैसे कमा के ला। फिर अपनी चाची की बात मानकर चिड़िया जल्दी जल्दी से घर का काम खत्म करती है और लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। अरे भाग्यवान, अब कहाँ भेज दिया टोनी चिड़िया को? और कहाँ भेज सकती हूँ उस मनहूस को, कोई जगह है उसके लिए? बस लकड़ी काटने जंगल ही भेजा है। अरे बाप रे, वहाँ तो जंगली जानवर भी होते हैं, और उस बेचारी को क्या पता कि उनसे अपना बचाव कैसे किया जाता है। खाते हैं तो खाने दो, पीछा तो छूटे उससे। और आप भी कान खोल कर सुन लो, अब लकड़ी बेचने का काम वही करेगी और तुम कोई दूसरा काम शुरू करो। तो ठीक है, मैं अपना पहले वाला काम ही शुरू करता हूँ। ऐसे बातें कर चाचा घर से चला जाता है। इधर टोनी चिड़िया भी जंगल पहुँच जाती है। वो शाम तक लकड़ी काटती है और उन्हें बेचकर अपने घर चली जाती है। ये लो चाची जी। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? इतने कम क्यों हैं? तेरे चाचा जी तो 300 रुपए लाते थे। चाची जी, मुझसे लकड़ी थोड़ी कम कटी थी, इसलिए पैसे भी कम है। कल से पूरे पैसे लाना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर चाची टोनी को एक रोटी देकर अपने घोंसले में सो जाती है। ये क्या, सिर्फ एक रोटी? पूरे दिन लकड़ी काट कर मुझे बहुत भूख लगी थी। चुपचाप ये खाकर सो जा और सुबह जल्दी जाग जाना, ज्यादा पैसे जो लाने हैं। फिर टोनी चिड़िया वो एक रोटी खाकर सो जाती है और अगली सुबह जंगल से लकड़ी काटने चली जाती है। लकड़ी काटते समय एक टुकड़ा उसकी आंख पर लग जाता है और वो रोने लगती है। मेरी आंख में तो चोट लग गई, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगी? चिड़िया की आंख सूज कर लाल और मोटी हो जाती है। वो वहीं एक पेड़ के नीचे रोती रोती सो जाती है। आज वो मनहूस जाकर कहाँ मर गई है? सुबह से शाम होने को है, आने दो घर, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। मैं चिड़िया बेटी को ढूंढने जाता हूँ, तब तक तुम भोजन बना लो, बहुत भूख लगी है। कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब उसको आना होगा तब वो आ जाएगी। ऐसे कहकर वो अपने पति को कहीं नहीं जाने देती। इधर टोनी चिड़िया भी वही पेड़ के नीचे सो रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। उठ जाओ प्यारी चिड़िया, रात हो गई है। बोलने वाला पेड़, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं बेटी, ये हकीकत है। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें अभी तक खोजने नहीं आया? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ और आज मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। चाची मुझे बहुत मारेंगी। घबराओ नहीं बच्ची, आपकी चाची आपको नहीं पीटेगी। पहले थोड़ा भोजन खा लो, सुबह से भूखी हो। पेड़ के इतने कहते ही वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। चिड़िया तो सुबह से भूखी थी, वो झट से भोजन खा लेती है। पेड़ जी, मुझे भोजन खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, घर पर तो शायद मुझे आज भोजन भी नहीं मिलता। ऐसे कहकर चिड़िया अपने घर जाने लगती है, तभी एक दूसरा पेड़ चिड़िया से बोलता है। रुको बेटी, ये थोड़े रुपए ले जाओ और अपनी चाची जी को दे देना, फिर वो आपको नहीं पीटेंगी। टूनी चिड़िया तो पेड़ से रुपए पाकर बहुत खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक तीसरा पेड़ उसे रोक लेता है। रुको चिड़िया, जरा मेरे पास तो आओ। चिड़िया तीसरे पेड़ के पास भी चली जाती है। पेड़ अपना एक हाथ चिड़िया के
के सिर पर रखता है और चिड़िया के आँख में लगी चोट गायब हो जाती है। चिड़िया तो तीनों पेड़ों से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। क्यों महारानी, आज इतनी देर कहाँ कर दी? चाची जी, आज मैंने बहुत ज्यादा लकड़ी काटी थी और देखो आज मैं कितने सारे पैसे लाई हूँ। अरे ला, इधर दे पैसों की पोटली, मैं देखती हूँ आज तूने कितने पैसे कमाए हैं। चाची तो रुपए की पोटली लेकर अंदर चली जाती है और जैसे ही वो पोटली खोलती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि आज से पहले उसने इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। अच्छा हुआ जो पेड़ ने मुझे भोजन खिला दिया, वरना मुझे भूखा ही सोना पड़ता। अब दोनों चिड़िया जल्दी जल्दी घर का काम करती है और उन्हीं जादुई पेड़ों के पास जाती है। वो तीनों पेड़ चिड़िया से खूब बातें करते हैं और खाने को भोजन देते हैं और शाम होते ही पैसों की पोटली देते हैं, जिसे लेकर चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने चाची को वह पोटली दे देती है। मम्मा, ना तो ये टूनी जरा भी थकती है और रोज शाम को ढेर सारे रुपए लेकर आती है, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मैं इसे शाम को एक ही रोटी देती हूँ, फिर भी ये दोबारा से भोजन नहीं मांगती। और चेहरा तो इसका ऐसे खिला रहता है जैसे महारानी आराम करके आती हो। मम्मा, कल हम इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जंगल में क्या करती है। ऐसे बातें कर वे दोनों माँ बेटी अगले दिन टोनी का पीछा करती हैं। वो जंगल में पहुंचकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती हैं और चिड़िया पर नजर रखती हैं। जब से आप तीनों मुझे मिले हो तब से ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरे माता पिता मिल गए हो। चिड़िया बेटी, आपसे बातें करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है, आप कभी भी हमें छोड़कर मत जाना, बदले में चाहे कुछ भी ले लेना। पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहना मेरे माता पिता बनके। तो ये जादुई पेड़ हैं जो इसे भोजन भी खिलाते हैं और शाम को पैसे भी देते हैं। हाँ मम्मा, तभी तो ये टोनी की बच्ची आजकल खुश खुश रहती है। पर बेटी, तू अब चिंता मत कर, हम भी इन जादुई पेड़ों से हीरे और सोना मांगेंगे और अमीर बन जाएंगे। फिर शाम होने तक वे दोनों माँ बेटी वहीं पर बैठी रहती हैं। जब चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो दोनों पेड़ों से जाकर कहती हैं, जादुई पेड़, मैं टूनी चिड़िया की चाची हूँ और ये उसकी छोटी बहन। तो आपको हमसे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस ढेर सारा सोना और हीरे चाहिए, जल्दी दे दो। हम आपकी ख्वाहिश पूरी तो कर देंगे, पर क्या आपका दिल साफ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो बहुत साफ दिल के पक्षी हैं, आप हमारी ख्वाहिश पूरी तो करें। देख लें, हम उसी की ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं जिसका दिल साफ होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है। ये बात सुनकर वो दोनों पीछे हट जाती हैं और सोचने लगती हैं, माँ अगर इन तीनों पेड़ों की बात सही निकली तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी और मैंने इसका एक उपाय भी निकाला है, हम उस टोनी को पकड़ कर यहाँ लाते हैं और उसी से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाएंगे। फिर वे दोनों घर जाती हैं और टोनी चिड़िया को अपने साथ लाती। मनहूस कहीं कि जल्दी से अपने पेड़ों से ढेर सारा सोना और हीरे मांग ले। हे जादुई पेड़, मुझे जल्दी से ढेर सारा सोना और हीरे दे दें। चिड़िया पेड़ों से लगातार कहती है, फिर भी पेड़ उसे सोना और हीरे नहीं देते। पेड़ जी, मैं कब से कह रही हूँ, आप मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? टूनी बेटी, हमने तो आपकी इच्छा पूरी कर भी दी। पेड़ जी, ये क्या बोल रहे हो? हाँ प्यारी चिड़िया, आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, आपने मुँह से चाहे कुछ भी कहा हो, पर आपके मन में तो एक ही बात है कि आपके चाचा चाची आपसे अपनी बेटी की तरह प्यार करें। सच पेड़ जी, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोनी बेटा, अब घर चलो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब से मैं आपको अपनी बेटी की तरह प्यार
करूंगी। इस तरह से उन दोनों का लालच खत्म हो जाता है और वह टूनी चिड़िया को अपने साथ लेकर घर चली जाती है और उस दिन के बाद वो सभी हंसी खुशी रहते हैं।